नमो नमः। नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी दरभंगा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से अंगीभूत इकाई नाम वीर सनातन पूर्णेन्दु राय कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंडः विषय साहित्यम पुस्तक मेघदूत उत्तर मेघ पाठ्य शीर्षक अस्ति श्लोक व्याख्या दिनांक 28/1/2022 शुक्रवासर विद्युतवन्तं ललितवनिता सेन्द्रचापं सचित्रा संगीताय प्रहतमुरजा स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङ्गं ब्रह्मलीहाग्रा प्रसादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्यविशेषैः अन्वयः अस्ति अत्र ललितवणिताः सचित्राः संगीताय प्रहतमुरजाः मणिमय भुव आभ्रणलिहाग्राह प्रसादाह विद्युदवंतम सेन्द्रचापम स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयम पुंगम ताम तह तह विशेषैः तुलयितुम अलम संति शब्दार्थस्ते यत्र अलकायां ललितवणिताः रम्य स्त्रीयुक्ताः सचित्रा चित्रपीताः संगीताय प्रहतमुरजाः संगीतार्थताडित मृदंगाः मणिमय भुवः मणिविकार भूमयः अभ्रमलिहाग्रा उन्नत शिखराः प्रासादा भवनानि विद्युतवन्तं दामणियुक्तं सेन्द्रचापम् इन्द्रधनुषसहितं स्निग्ध गंभीर घोषम श्रोत्र पेय गंभीर गर्जितम अंतस्तोयम अंतर्गत नीरम तुंगम उच्चम त्वाम भवन्तम मेघय तैह तैह पूर्व कथित तैह विशेषैः गुणैः तुलयितुम समीकर्तुम अलम प्रयाप्ताः शन्ति इति शेषः संगः अस्ति विरह विधुर यक्षः संदेशवाहकं मेघम अलका पर्यन्तं मार्गस्य वर्णनं कृत्वा अधुना अलका नगर्यां वैभव विलास संपन्न युक्तं भवनानां वर्णनं प्रस्तौति अयम् श्लोके अलकायाः साम्यं मेघेन च वर्णितम् अस्ति समास सचित्रा चित्रे सहिता तुल्युक्ता समास ललितवणिताः ललिताः वणिताः येषु ते बहुव्रीहि समास प्रहतमुरजा प्रहताः मुरजाः येषु ते बहुव्रीहि सेन्द्रचापम् इन्द्रस्य चापातेन सह षष्ठी तत्पुरुषे एवं तुल्योगिता समास अन्तस्तोयम् अन्तर्गतं तोयम् यस्य सह तं बहुव्रीहि समास व्याकरणदृष्ट्या मणिमय भुवः मणि धनमय धन गिम् पुंवद भाव मणिमयो भुवः येषु ते बहुव्रीहि समास अभ्रम लिहाग्रा अभ्रमुव लीह अभ्र धनमुम धन लीह धन खश अभ्रम लिहाणि अग्राणी येषाम ते बहुव्रीहि समास विद्युतवंतम विद्युत धन मतुप तलयितुम तल धन नीच धन तुमुण स्निग्ध गंभीर घोषम स्निग्ध अक्ता खुश है स्निग्ध गंभीर घोषा यस्य बहुव्रीहि समास विशेष संगीताय नृत्यम वाद्यम तथा संगीत त्रयम संगीत मुच्यते स्निग्ध गंभीर घोषम कर्ण सुखदम स्निग्ध गंभीर दीर्घोषम अम अभ्रम लिहाग्रा गगन चुंबी प्रसादम प्रभ्रंकश्माशादात टिप्पणी अस्ति ललितवनितायाः कृते ललिताः रम्याः वनिताः स्त्रियो येषु ते ललिताः ललितगुणयुक्ताः ललिताः हस्तपादाङ्गविन्यासभ्रूनेत्रास्य प्रयोजितं सुकुमारविधानेन ललितं तत्प्रकीर्तितम् इतना ही व्याख्या में लिखना है छात्रों।
इसके अतिरिक्त समझने के दृष्टिकोण से कहते हैं कि इस प्रकार के स्त्रियों के हस्त पाद एवं भ्रु कटक कटाक्षादि की चंचलता व्यक्त होती है, क्योंकि वे स्त्रियां ललित गुण से युक्त हैं। बिजली की चंचलता के साथ साम्य देने से भाव की रमणीयता और बढ़ जाती है। ललित वनिता इसको कहते हैं, कहते हैं स्निग्ध गंभीर घोषम। स्निग्ध का अर्थ कर्ण सुखदम अर्थात मधुर है, यथा स्निग्ध गंभीर निर्घोषम पयोवाहम। रघुवंश में भी इसकी चर्चा हुई है। अब भ्रनलिहाग्र इसका भावार्थ ऊंचे भवनों से है, जिन्हें शिष्ट भाषा में गगनचुंभी भवन कहा जाता है। प्रसादम भ्रंतश्माशादात निषद में इसकी चर्चा हुई है। यह जो श्लोक है इसका जो प्रसंग है विरह विधुर यक्ष संदेश वाहक मेघ को अलका तक मार्ग बताकर अवलका के वैभव विलास संपन्न भवनों का वर्णन प्रस्तुत कर रहा है। इस श्लोक में अलका का साम्य मेघ से वर्णित है। इसको आपने संस्कृत में भी सुना और आप हिंदी में समझने के दृष्टिकोण से भी सुन रहे हैं। पीडीएफ मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप लोग उसको देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ था कि हे मेघ, जिस अलका नगरी में ललित वनिता विलासवती स्त्रियों से युक्त सचित्राह चित्रों सहित संगीताय प्रहत मुरजा संगीत के लिए बजाए गए मृदंग वाले प्रसादा महल विद्युत बंदम यानी कि विद्युत बिजली से युक्त शेंद्र चापम इंद्र धनुष सहित स्निग्ध गंभीर घोषम मीठी एवं गंभीर ध्वनि वाले अंतस्तोयम अपने में जल को धारण करने वाले तुंग ऊंचे त्वाम तुमको तह तह विशेष उन विशेष गुणों से तुल्य तुम क्षमता करने में अलम समर्थ है। अर्थात कि हे मेघ, जिस अलका नगरी में सुंदर स्त्रियों वाले चित्रों से युक्त संगीत के लिए बजाए गए मृदंगों वाले मणि जटित फरसों वाले गगनचुंबी शिखरों वाले महल और बिजली धारण करने वाले इंद्र धनुष से युक्त मधुर एवं गंभीर गर्जन वाले अंदर जल धारण करने वाले तथा ऊंचे तुमसे उन गुणों के कारण समता करने में समर्थ है। आप लोग इसको लिखेंगे जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम पठतु संस्कृतम संस्कृताय समर्पणम नमो नमः। पुनर्मिलामः। कोरोना से बचना है। मुखावरणम बिना वही न गच्छेम हस्त प्रक्षालनम बारम बारम करणीयम इति नमो नमः।